रिश्ते भी अजीब होते हैं इस समाज के। कोई रिश्ते को डूब जाता है तो कोई रिश्तों में के में हो कोई रिश्ता में तो हो जाता है, लेकिन उसकी अहमियत हमेशा महसूस करता है। कोई दोस्त है तो कोई भाई है, कोई माँ है तो कोई पिता। तो कोई भाई बहन हर रिश्ता बड़े ही नाजो से पलता है, दरकिनार कर जाते हैं हम कई बार इन सब रिश्तों को, लेकिन अंत में वही आकर मिल जाते हैं। मिल जाते हैं, हो जाती है रिश्तों का अनबन, कभी तो दोनों ही मुरझा सा जाते हैं। लाख गलतियों देते हैं मगर मिठास बरकरार रहती है। अजीब है समाज के रिश्ते भी, इन्हीं रिश्तों में सबसे पवित्र रिश्ता भाई बहन का, जो सात समुंदर पार भी अपना वजूद नहीं भूल पाता। हो अगर बहन तो पूरा घर गूंजता है शोर शराबों से, ना हो तो एक अजीब सी चुप्पी घर में छा जाती है। होते हैं झगड़े भी रोज कोई ना कोई बात पे, कभी भाई नाराज तो कभी बहन हो जाती है खफा, गायब हो जाता है सारा गुस्सा उस वक्त जब बहन या भाई खड़े प्यार से कहते हैं तेरे लिए भी चाय बनाऊं क्या, दूसरों ही पल दोनों आपस में बैठकर चाय की चुस्कियां लेते नजर आ जाते हैं। यही होता है अक्सर इन दोनों के दरमियान, जब हो जाती है भाई की शादी घर में आती है भाभी। बहन की हो जाती है चांदी, लेकिन हो जाती है बहन की शादी तो भाई की बढ़ जाती ही परेशानी। अब तो साल भर में एक दिन आ बहना तो भाई करे हंसी ठिठोलियां।
बोलो कैसी हो बहना, बोलो अब तो दिला दे कोई गहना। जाती है तो कुछ लम्हे फिर से याद दिला जाती है। जो बंद लिफाफे की तरह इधर उधर बिखरे रहते हैं। यहीं से बस एक बंधन जिसकी डोरी दोनों तरफ बंध जाती है। हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के बहुत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक की भी दावा है कि यह रचना स्वचलित है। यह कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। भाई बहन की कहानी।